हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक है। बताइए क्या दिक्कत क्या है आपको? सर मेरे को जो है आजकल काफी दिन से ना मेरे गर्दन में काफी जो है दर्द हो रहा है। तो मुझे क्या काम करते बेटा आप? मेरा सर डिजिटल का काम है, पूरा दिन आपको पता है सिस्टम के सामने ही बैठ के जो है काम होता है। तो चेयर टेबल पे बैठते हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या ऑफिस जा रहे हो आजकल? वर्क फ्रॉम होम है सर। तो चेयर पे बैठते बेटा या डबल बेड पे टेबल लगा के बैठ जाते हो? सर चेयर पे भी बैठ जाता हूँ, डबल बेड पे भी बैठना। हाइब्रिड जो दोनों चीज चल रही है दोनों का भी वहाँ पे? हाँ सर दोनों चल रही है। तो उससे तो बेटा पोस्चर काफी खराब हो जाता है। तो डबल बेड पे एटलीस्ट ना बैठे, यूज ऑलवेज यूज ए चेयर। और बैक रेस्ट वगैरह लगाया हुआ आपने चेयर पे? बैक रेस्ट लगाया हुआ है? नहीं सर बैक रेस्ट। और बीच में थोड़े ब्रेक ले लेते हो या नहीं लेते हो? ब्रेक सर 10 मिनट्स का जो है जनरली ले लेता। चक्कर तो नहीं आ रही? गिडीनेस तो नहीं हो रही आपको? नहीं सर। हाथ में दर्द तो नहीं आ रहा बेटा? इधर यहाँ पे होता है सर, इधर दर्द। इस साइड में भी आ रहा है? हाँ सर इधर भी होता है। तो मोबाइल भी यूज करते हो? हाँ जी। तो मोबाइल यूज करते समय ऐसे गर्दन कर लेते हो या ऐसे यूज करते हो? सर ये सिस्टम भी चल रहा है जी, और ये भी चल रहा है जी, तीन चार काम एक साथ काम करते हैं जी। सर वो हो जाती है अब काम। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज डेंजरस। आजकल के जो मॉडर्न यूथ है ना, ये वर्क फ्रॉम होम और लैपटॉप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा। कि भाई मोबाइल पे खाना भी उसी टाइम खा लेते हो आप? हाँ, बात करते करते साथ में ही हो जाता है सर। अच्छा, सिस्टम चल रहा होता है। दोपहर को लंच टाइम मिलता है नहीं मिल रहा आजकल? लंच ब्रेक मिल रहा है नहीं मिल रहा आपको? मिलता है, पर उसमें भी आपको पता है थोड़ा जल्दी जल्दी जो है लंच करना पड़ता है काम के चक्कर में। और अच्छा प्रॉपर फ्री होके 15-20 मिनट का ब्रेक नहीं मिलता है? नहीं सर। कोशिश करें 15-20 मिनट का ब्रेक लें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि मैं 15-20 मिनट का मैं बात नहीं करता। सिस्टम पे अगर आप काम करते करते समय, टीवी देखते समय, खाना खाएंगे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली खाएंगे, तो उससे आपको गर्दन क्या कमर भी खराब हो जाएगी धीरे धीरे। इनमें भी दर्द शुरू हो जाएगा। घूम जाए जरा एक बार, घूम जाए। शाबाश। गर्दन की कोई एक्सरसाइज करते बड़ा? सर एक्सरसाइज तो नहीं करता। सैर वगैरह करने जाते हो? कोई फिजिकल एक्टिविटी है? कितने बजे सोते हो रात को? सोते 2 बज जाते सर। 2? गर्दन आपकी खराब नहीं होगी तो किसकी खराब होगी? सोने का टाइम है, बेस्ट टाइम फॉर स्लीप इज 10 PM to 5 AM। 5 से आप 1:30 बजे सोएंगे, 5 दिन बाद 1 बजे सोएंगे, 10 दिन बाद 12:30। अच्छा एक साथ नहीं? हाँ जी, एकदम से आप चेंज नहीं कर सकते। आज आप 1:30 बजे सोएंगे, ठीक है, 5 दिन के बाद मेक इट 1 AM एंड उसके बाद 12:30 बजे। धीरे धीरे कोशिश करें कि टाइम सोने का थोड़ा सा जल्दी करें, उठने का भी जल्दी तभी कर पाएंगे, ठीक है सर। अदरवाइज आपको हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाएगा, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी और आपका पूरा अंदर का सिस्टम, इवन सेक्सुअल हेल्थ भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। घूम जाए जरा, ये एक्सरसाइज आपको 1-2 घंटे काम किया और ये एक्सरसाइज आपको करनी है। पूरा सांस लेते समय पीछे जाएंगे, छोड़, हाँ लेते समय ये दोनों साइड में आपके खींचे रहेंगे, ऐसे देख रहे हैं ध्यान से जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, अभी मन आपका यहीं पे या ऑफिस में? अभी सर यहीं पे। हाँ बॉडी तो यहीं पे है लेकिन मन आपका ऑफिस में नहीं होना चाहिए, अभी थोड़ा सा हमारे साथ ही रहें, प्रेजेंट उसमें रहें। पूरा सांस लेते पीछे जाएं, शाबाश, रोक के रखें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करें। 1-2 घंटे काम किया आपने सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, थोड़ी जितना आपके गर्दन में लचकीलापन होगा उतनी गर्दन ठीक रहेगी, स्टिफ होगी बड़ा। ये दर्द हो रहा है? हाँ यही दर्द है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये अकड़ गई गर्दन आपकी, सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सर्वाइकल डिस्क। ओके। सर्वाइकल अभी स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है क्योंकि एज कितनी है आपकी अभी? सर 25। अभी तो एज कुछ भी नहीं है। पहले भी कभी दर्द होता है? फर्स्ट टाइम हुआ आपको ये? सर ये फर्स्ट टाइम हुआ मुझे। और अभी से अगर आप ध्यान रखेंगे तो बार बार नहीं होगा, नहीं तो ये रिकरेंस इज वेरी कॉमन। और ये क्रोनिक दर्द हो जाएगा तो फिर आपको हर 2-3 महीने में अटैक होगा। दोनों साइड में रखें और ऐसे ही आपको स्ट्रेचिंग बताई। दूसरा साइड बेंडिंग, पूरा रोक के रखें, इस हाथ से इधर खींचे, इधर से खींचे, वेरी गुड, ऐसे इधर खींचे 10-10 बार ये करें सुबह शाम, दिन में 2-3 बार ऐसी रोटेशन। खाली गर्दन का मूवमेंट होना चाहिए, कंधे नहीं लाने आपको, चिन को शोल्डर की तरफ ले जाए। सांसों के साथ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। एक तरफ सांस छोड़ रहे हैं, बीच में ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, फिर ले रहे हैं। इसके अलावा श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स इज वेरी कॉमन। श्रगिंग मीन्स कंधे को पूरा ऊपर खींचें और खींचें, रोक के रखें, नीचे करें धीरे धीरे, शाबाश, पूरा ऊपर करें और करें, रोक के रखें इसको, होल्ड, गर्दन सीधी रखें, हाँ 10-10 बार ये करें। इसके अलावा कंधों को घुमाएं, रोटेशन करें, आगे थे पीछे, पीछे थे आगे। कोई मुश्किल एक्सरसाइज तो नहीं है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसमें सर हम एक चीज में पूछ, बताइए कि इसमें सर हम वेट्स के साथ कर सकते हैं, बिना वेट्स के ही करना है ये वेट? यहाँ पे थोड़ा वेट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले, वेट लेके भी करें तो अच्छा है। दोनों हाथ पर खींचे रहने चाहिए ऐसे, आगे थे पीछे पूरा, अब पीछे से आगे, हाँ ऐसे अच्छा लग रहा है ना आपको जी। इससे आपको गर्दन रिलैक्स होगी और ये आपका साथ देगी। ये ध्यान रखिए। पानी पीते हैं आप? हाँ जी। कितना पानी पी लेते हैं एक दिन में? लिक्विड इंटेक कम है या? सर वैसे तो कम ही है। क्यों, याद नहीं रहता या टाइम नहीं मिलता? याद नहीं रहता सर।
तो आजकल तो आपके मोबाइल में अलार्म होता है ना, याद दिलाएगा आपको वो। हाँ जी हाँ जी। माय डियर अभिषेक, ड्रिंक वाटर, पानी पियो, पानी पियो, हर दो घंटे में एक एक डेढ़ गिलास पानी पिए। प्लेन पानी अच्छा नहीं लगता कई लोगों को, तो आप चने का सूप भी पी सकते हैं, दही की लस्सी बना सकते हैं, दूध को फाड़ के पनीर बना सकते हैं, वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, लिक्विड किसी शिकंजी बना ली, वेजिटेबल सूप। तो लिक्विड प्लेन वाटर, प्लेन जरूरी नहीं कि आपको, बट अगर आपको वाटर इनटेक कंजम्पशन कम है, जैसे आपका बॉडी वेट मान लो 80 kg है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 तो मींस 5 लीटर्स का वाटर कंजम्पशन लिक्विड इनटेक होना चाहिए 24 आवर्स में। तो आप थोड़ा सा वाटर इनटेक, लिक्विड इनटेक बढ़ाएं, उससे आपकी ये हड्डियों को, नसों को भी प्यास लगती है, जोड़ों को भी ग्रीस बनाने के लिए पानी चाहिए। कब्जी भी रहती है बेटा आपको? जी सर। कोई चीज़ तो ठीक होगा, नींद आपको सही नहीं आती, सोते 2 बजे हो, कब्जी आपको रहती है, पेट साफ अभी से नहीं हो रहा 25 साल में। दादाजी से पूछना, दादाजी को भी कब्जी नहीं रहती होगी। पेट साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको गर्दन क्या पूरा शरीर अगर ठीक रखना है तो उसके लिए आपको दलिया खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए सुबह, और ये सलाद खाना चाहिए। सलाद खाते हो या नहीं खाते हो? सलाद दोपहर को खाएं, रात को खाना नहीं है। रात को मूली खीरा रात को नहीं खाना चाहिए। गाजर मूली दोपहर को खाएं, खाने से पहले खाएं तो ज़्यादा अच्छा। बिना नमक की, नमक तो नहीं डालते सलाद में? नहीं सर, नमक डालता था। नमक, कच्चा नमक ना डालें बेटा, कच्चा नमक डालेंगे तो हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी। ओके। और नमक कौन सा यूज करते हो, रिफाइंड वाला नमक या सेंधा नमक यूज करते हो आप? सर जो नॉर्मल टाटा का नमक आता है। नहीं नहीं, वो मम्मी को, उनको बोलो उनको टाटा नमक को टाटा बाय बाय कर दें उसको यूज ना करें। सेंधा नमक यूज करें, सलाद में नमक ना डालें। तो 2-3 बातें सीख के जाएं आप। जी जी जी। बहुत ज्यादा बातें आज सिखाएंगे, अगली बार बाकी आपको 10 दिन की दवाई लिख के दे रहे हैं। ओके। ये दवाई लेनी है और फिजियोथेरेपी करानी है आपको, और ये एक्सरसाइज जो हमने बताई, हर 2-3 घंटे आपने सिस्टम पे काम किया, टेक ए ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड डू दी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ओके सर। एंड मॉर्निंग में आधा 1.5 घंटा वॉक करने का नियम बनाएं, इवनिंग में जाएं वॉक, पैदल चलना जरूरी है बट चप्पल में नहीं, स्पोर्ट्स शूज पहन के थोड़ा ब्रिस्क वॉक करें। अभी तो जवान है, जवान रहना चाहते हो, जल्दी बूढ़े होना चाहते हो, समय से पहले बूढ़ा होना, तो जो आप कच्चा नमक भी खाओ, पानी भी कम पियो, रात को 2 बजे सो, खाना खाते समय पानी भी पीते हो क्या? हाँ जी सर, हो जाता है। खाना खाते समय पानी पीना जहर पीने के समान है, जहर खाने के बाद है। रात को खाना, और खाने के बाद भी पानी पीते हो बेटा? सर खाना खाने के बाद भी पीते हैं। खाने के बाद सही मायने में 1 घंटे बाद पीना चाहिए, 1/2 घंटा पहले पीना चाहिए, बीच में 1-2 घूंट पीने पिए जीना चाहिए। अच्छा। भोजन अंति विषम भारी, अगर आप भोजन के अंत में जल पीते हैं तो विष के समान है। Okay. ये लिखा हुआ है आयुर्वेद में, आपने इसको पढ़ना, जरा सर्च करना जी, क्योंकि हम जो डाइजेस्टिव जूसेज है, एंजाइम्स है, वो डाइल्यूट हो जाएंगे अपना खाने के साथ या बाद में पानी पिया, तो डाइजेस्टिव जूसेज और एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्योंकि मन कहीं और चला गया। अभी आप बैठे यहाँ हैं लेकिन आपका ऑफिस का काम, ऑफिस की टेंशन है, ऑफिस की टेंशन आपको खाई जा रही है। तो आप खाने के साथ अगर पानी पियेंगे तो डाइजेस्टिव जूसेज एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाएंगे, जठर अग्नि बुझ जाएगी, तो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। सड़ेगा तो गैस भरेगी, गैस भी बनती है क्या? जी सर। गैस आपको कब्जी तो इसलिए बेटा बनती है, आप समझ के जाएं कि खाने के साथ पानी, जैसे आप खाने के बीच में मान लो 1 गिलास पानी पीते हैं, आज से आप 1.5 गिलास पियेंगे, एकदम से आप अपनी बुरी आदत एकदम से नहीं सुधार सकते, उसके लिए सुधारने का तरीका है। तो आप आज से थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी कम करेंगे, 5 दिन बाद थोड़ा और कम करेंगे, 1-2 घूंट पी सकते हैं, मिर्ची लग जाए, अटक जाए, तो खाना खाने के बाद इमीडिएट बाद पानी जैसे आप पीते हैं 1 गिलास, तो आज से 15 मिनट बाद पानी पियेंगे, 5 दिन बाद 1/2 घंटे बाद पियेंगे, फिर 1.5 घंटे बाद पियेंगे, फिर 1 घंटे बाद पियेंगे। खाना खाते मान लो 1 गिलास पीते तो आज से 1.5 गिलास पियेंगे, फिर 1/2 गिलास, धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक आफ्टर मील्स एंड इंक्रीज द टाइम 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट्स। लस्सी दोपहर को ले सकते हो खाने के साथ में, बट नॉट प्लेन वाटर। ओके। तो ये ध्यान रखें जरा, ठीक, एक्सरसाइज करें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, थोड़ी इसकी मेंटल एक्टिविटी कम करें और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। okay. ये तो चलता नहीं है और ये रुकता नहीं है, आपकी मेन बीमारी का कारण यही है, ये जो है ना, ये दर्द हो रहा है, ये मजा आ रहा है या दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है सर। हाँ, तो फिजियोथेरेपी कराएं और 10 दिन की दवाई लिख रहा हूँ मैं, 10 दिन के बाद एक बार दिखाएंगे आप, ठीक है? और दवाई खाने के 1 घंटे बाद खानी है। दवाई खाना खाते तो नहीं खा लेते आप लोग? नहीं सर, वो तो हाँ, वेरी गुड। खाने के 1 घंटे बाद दवाई खानी लेनी चाहिए लुक वॉर्म वाटर से। ज्यादा ठंडा पानी पीने के शौकीन तो नहीं हो? कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड वगैरह भी लेते हो? लगता तो ऐसे ही आपको, मॉडर्न यूथ हो ना आपके, आजकल के इंडो वेस्टर्न, आधे इंडियन आधे वेस्टर्न। हाँ जी सर, चलो ठीक है, नेक्स्ट बुलाओ बेटा। थैंक यू। ओके ओके। अभी तो इस अभिषेक की उम्र सिर्फ 25 साल है, अगर ये अभी से ही संभल जाएगा, अपनी आदतें सुधार लेगा तो ये फायदे में रहेगा। दवाइयों से अगर ये आदत नहीं सुधारेगा, 5-7 साल दवाइयां थोड़ा काम करेंगी, एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, बट ये जब 40 साल का होगा इसका क्या होगा? सोचो, आजकल हमारे पास 35-40 साल के पेशेंट आ रहे हैं जिनके घुटने काफ़ी हद तक घिस गए हैं, और बदलने के लिए
ऑर्डर हो गए हैं, बदलने की नौबत आ गई है, कमर की हड्डी घिस गई है, बढ़ गई है, डिस्क में प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसी समस्या आपके साथ ना हो, हमारे अभिषेक के साथ ना हो, इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जाग जाएं, संभल जाएं, क्योंकि दवाइयां भी कुछ समय तक काम करती हैं, थोड़ा सा डूबते हुए को तिनके का सहारा है, दवाइयों पे डिपेंडेंट ना हो, दवाइयां जितनी कम खाएं उतना अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।